Education. Please subscribe, like and share the channel. Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum dear students. Last time we were discussing about System International SI units and radian, street radian. Today our topic is scientific notation and prefixes. Students, scientific notation हमारे पास अगर कोई भी नंबर हो और उसको हम 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करें, मींस उसको हम 10 की पावर में एक्सप्रेस करें, कोई भी नंबर हो उसको हम राउंड ऑफ करके उसके साथ 10 के मल्टीपल्स ऐड कर दें, उसको हम साइंटिफिक नोटेशंस कह सकते हैं. इन साइंटिफिक नोटेशंस और हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं किसी भी नंबर की. लेट्स से अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू हो, मैं कहता हूँ 0.001234, और इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 पॉइंट. अब देखें, मैंने पॉइंट रिड्यूस किया, बैक पे लाया, एक जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, मींस हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, हमने उसके बाद किसी पॉइंट को लाना होता है. तो मैंने पॉइंट को बैकअप पे लाया, कितने स्टेप, 1, 2 एंड 3. अब जब भी हम राइट की तरफ आएंगे, ठीक है, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1.234 मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 3. अब मैं बैक पे तो 3 नंबर आया हूँ, लेकिन मैं राइट साइड पे आया हूँ, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, साथ माइनस. अगर इसी तरह हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो फिर हम साथ माइनस ऐड नहीं कर सकते. तो इस वैल्यू को मैं इस तरह अगर लिखूंगा तो ये इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन होगी, या ये इस नंबर का क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर होगी. कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं, देख लेते हैं. अगर हमारे पास, मैं कहता हूँ एक फिगर है 5400. तो स्टूडेंट्स, अगर इस फिगर को मैं राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं देखूंगा 1, 2, 3, 4. फर्स्ट नंबर के बाद मैंने पॉइंट को लाना है, मींस 5.4 मल्टीपल ऑफ 10 की पावर 1, 2, 3, 4. 5 स्टेप पीछे गया हूँ तो मैं इसके साथ 10 की पावर 5 ऐड कर दूंगा. तो इस प्रोसेस को या किसी भी नंबर को इस फॉर्म में हम अगर एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10. फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल ऑफ, हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये होती है कि आ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 to 10 इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या कह सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन. अब नया, ये हमारा एक टॉपिक तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हमारा था प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10. अब प्रीफिक्सेस क्या होता है, प्रीफिक्सेस हमारे पास स्पेसिफिक पावर्स होती हैं, जो हम नाम किसी भी हमारे पास क्वांटिटी है उसके नाम के साथ या उसको किसी सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे पास एक फैक्टर है 10 की पावर 18. हमारे पास ये फैक्टर है 10 की पावर 18. अब इसकी जो सिंबल है वो क्या होगी और इसका प्रीफिक्स क्या होगा, वो क्या होगा. इसका प्रीफिक्स हमारे पास होता है एग्जा, और इसकी सिंबल क्या, सिंबल होता है हमारे पास ई. इसी तरह का हमारे पास हो 10 की पावर माइनस 2. अब इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सेंटी, ठीक है. अब देखें, हमने ये वर्ड सुना होगा कि सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर जहां पर भी हम देखेंगे कि कहीं भी हमारे पास कोई भी यूनिट लिखा हुआ है, नंबर है, नंबर के साथ कोई भी यूनिट लिखा हुआ है, और यूनाओ के यूनिट क्या होता है, जिस चीज में किसी चीज को मेजर किया जाए, ठीक है. तो यूनिट जहां पर भी लिखा हो सेंटीमीटर, तो फौरन हमारे जहन में क्या आएगा कि दैट्स मीन कि हमने राइट साइड पे 2 स्टेप रिड्यूस किया, फिर उसके बाद हमारे पास ओरिजिनल नंबर आया, वहां पर हमने पॉइंट पुट किया, इसका मतलब ये होगा 10 की पावर माइनस 2 का.
एंड इसकी हम हमारे पास सिंबल होती है स्मॉल सी। ये हमारे पास क्या कुछ प्रीफिक्सेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस ऑफ पावर 10, आई हैव सम एग्जांपल्स लाइक 10 की रेज पावर 18 कॉल्ड एक्सा ई, 10 की रेज पावर -2 कॉल्ड सेंटी सी। यू कैन राइट 10 की रेज पावर -18 एज एटो एंड रिप्रेजेंट बाई ए स्मॉल ए लाइक दिस पीको 10 की पावर -12 पीको पी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस सम रूल्स और कन्वेंशंस दैट वी कैन पुट इन माइंड बिफोर यूजिंग एसआई यूनिट्स। देर आर सम रूल्स। ओके स्टूडेंट्स, कन्वेंशन फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, कोई ऐसी बातें होती हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमने एसआई यूनिट्स को यूज करने से पहले अपने दिमाग में सेट करने हैं, ब्रेन में हमने उसको, हमें वो रूल्स लाजमी पता होने चाहिए एसआई यूनिट्स को यूज करने के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहला फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि अगर किसी भी साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट यूज हो रहा है तो उस साइंटिस्ट के नाम को हम जो स्टार्टअप करेंगे तो वो हमने उसका जो साइंटिस्ट का नाम, अगर हम फुल नाम मेंशन करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास न्यूटन हो, न्यूटन एक यूनिट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये न्यूटन हम पूरा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखेंगे। अगर हम इसको, मैं इस तरह लिखता हूँ न्यूटन, और मैं इस तरह लिखता हूँ, तो ये दोनों वेज जो हैं ये गलत हैं, फॉल्स हैं। ये वाला वे हमारे पास ट्रू है। और ऐसे यूनिट्स को यूज़ करते हुए हमने, अगर पूरे साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा यूनिट है जो किसी, जो जिसका नाम किसी साइंटिस्ट से रिलेट करता है, जैसे न्यूटन हो गया हमारे पास, तो इसको यूज़ करने के लिए हमने इसके पूरे जो अल्फाबेट्स हैं वो स्मॉल यूज़ करने हैं। सेकेंड थिंग है कि अगर हम सिर्फ न्यूटन लिखना चाहते हैं, मीन्स अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एन, तो ये करेक्ट वे है, हमने इसको कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखना है एन। हम इस तरह एन नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग वे है। थर्ड स्टेप जो हमने याद रखना है ड्यूरिंग दी एसआई यूनिट्स को यूज करते हुए, कि हमारे पास जो यूनिट आएगा वो हमेशा, जब भी दो यूनिट्स आते हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास दो यूनिट्स हैं, कोई भी, अगर मेरे पास कोई भी रीडिंग आती है 12, जो हमारे पास प्रीफिक्स है ये हमेशा यूनिट प्रीफिक्स के बाद इस्तेमाल होगा और इन दोनों के दरमियान कोई गैप नहीं होने चाहिए। प्रीफिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई नंबर, उसके बाद मेरे पास प्रीफिक्स आया माइक्रो, माइक्रोमीटर मीटर यूनिट है, ठीक है। तो जो माइक्रोमीटर है, फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे पास जो यूनिट आया है वो प्रीफिक्स के बाद आया है और उसके बाद इनके दरमियान गैप नहीं होना चाहिए। चौथा स्टेप हमने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो यूनिट्स इकट्ठे आ जाएं, जैसे मेरे पास कोई भी, लेट्स मैं कहता हूँ कि मैंने टॉर्क कैलकुलेट किया और टॉर्क मेरा इक्वल आया 72 न्यूटन मीटर, तो स्टूडेंट्स यहां पर जो न्यूटन मीटर मैंने यूज किया है, इन दोनों के दरमियान एक गैप है, स्पेस है। तो ये भी एक चीज है इसमें कि अगर मैं 72 न्यूटन मीटर यूज करूंगा तो इन दोनों यूनिट्स के दरमियान मैंने गैप रखना है। पांचवा स्टेप ये है कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज आती है कि, मतलब कंपाउंड प्रीफिक्सेस, मतलब एक प्रीफिक्सेस को मैं दो बार यूज नहीं कर सकता। अब अगर मेरे पास, मैं इस तरह नहीं, ये गलत तरीका है ये लिखने वाला, कि वन माइक्रो माइक्रो, इसकी जगह पर यह चीज प्रेफर की जाएगी कि वन पीको फेराड अगर मैं लिख दूं। ओके स्टूडेंट्स, ये पांचवा स्टेप है कि हम कंपाउंड प्रीफिक्स को यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग वे है। उसके बाद अगर मेरे पास मल्टीपल बेसिस में कोई यूनिट आ रहा है, मल्टीपल बेसिस में, तो उसके ऊपर जो पावर होगी, सिक्स स्टेप है कि अगर मेरे पास 10 किलोमीटर का स्क्वेयर है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10 किलोमीटर, किलोमीटर का ये होल स्क्वेयर है। ये चीज हमने नोट करके रखनी है कि ये जो हमारे पास स्क्वेयर होता है जो हम एंड पे डालते हैं, दो हमारे पास अगर
मल्टीपल बेस यूनिट्स आ जाएं उनके ऊपर, ये दोनों किलो भी बे ये के केल्विन किलो सॉरी 10 की पावर 3 और ये भी मीटर, तो इसको मैं इस तरह भी राइट कर सकता हूँ कि 10 × 10 की पावर 3 मीटर का स्क्वेयर। तो ये करेक्ट वे है इसको राइट करने का, यूनिट्स को राइट करने का। और जब भी हम यूनिट्स को यूज करें, सातवां रूल इसका ये है, सेवेंथ रूल ये है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू हमने यूज करनी है, सबसे पहले हमने उसको देखना है साइंटिफिक वैल्यू के अंदर कि हमने सारे जो हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज थी उनको हमने किस में चेंज करना है, एसआई यूनिट्स के अंदर, उनके जो बेस मल्टीपल यूनिट्स हैं उसके अंदर हमने उनको चेंज करना है। ऑल क्वांटिटीज विल बी एक्सप्रेस्ड इन, ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था आज का, साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस, और मैंने आपको हाउ कैन वी यूज एसआई यूनिट्स या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी, जिसमें न्यूटन का मतलब, अगर हम साइंटिस्ट किसी के पूरे नाम लिखना चाहें तो कैसे राइट करेंगे, अगर हम सिंगल वर्ड अल्फाबेट यूज करना चाहें तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, दो हमारे पास अगर प्रीफिक्स और यूनिट्स आ जाएं तो उनको हमने कैसे राइट करना है, अगर हमारे पास दो प्रीफिक्सेस आ जाएं तो उनको कैसे राइट करना है, ये सारी चीजें आज की हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, थैंक्स।